नमस्कार दोस्तों, मैं आज बात करने वाला हूं कि किस तरीके से आप अपने दिन में खाने की प्लानिंग या मील प्लानिंग कर सकते हैं। उसके कुछ मैं बेसिक स्टेप्स आपको बताऊंगा, वो आपको आपके फिटनेस में, बॉडी को मेंटेन करने में और कई तरह की बीमारियों से बचाव के लिए या इलाज के लिए मदद करेंगे। तो पहली चीज है, दिन की शुरुआत कीजिए ग्रीन स्मूदी से या हरी सब्जियों के जूस से। उसकी विधि और उसके गुण मैंने अपने दूसरे वीडियो में कवर किए हैं। उससे शुरुआत करते हैं, तो जो आपकी रात में जो बॉडी डिहाइड्रेट हो गई है या एसिडिक हो गई है, वो बॉडी के लिए आपका जो है पानी बढ़ाता है, हाइड्रेट करता है और अल्कलाइन करता है। और आपने अपने वर्कआउट के बाद में लिया ना दोस्तों, तो 2-3 घंटे तक उसके बाद में भूख नहीं लगती है। तो क्या होता है कि शुरुआत में आप नाश्ते से नहीं, ग्रीन स्मूदी से करते हैं, फिर 11 बजे के आसपास अगर भूख लगे तो उस समय चाय बिस्कुट ना लीजिए, उस समय कोई दाल का आइटम लीजिए। चाहे आप भिगोए हुए चने की चाट ले लीजिए, या ऐसे ही आप दाल का चिल्ला या मूंग दाल इडली, या आप दाल पी लीजिए। उससे क्या होता है, दाल में होता है कैलोरी डेंस, उसमें बहुत एनर्जी होती है, तो आपको 2-3 घंटा बिल्कुल भी भूख नहीं लगेगी। दाल तंदुरुस्त भी है, सेहत के लिए अच्छी भी है। उसके बाद में 1-2 बजे जब हमें हमारा दोपहर का भोजन करना है, तो दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में कई चीज़ें समान हैं। एक तो शुरुआत भोजन की कीजिए कुछ सलाद से या रॉ फूड से। आइडियली हम अगर देखें तो हमें आधा खाना कच्चा खाना है और आधा पका हुआ। जितना हम कच्चे की मात्रा बढ़ाएंगे उतना हम तंदुरुस्त रहेंगे। क्यों? क्योंकि कच्चे भोजन में जो विटामिन रहते हैं, जो एंजाइम रहती है, जो शरीर के पोषण के लिए रहती है, वो इंटैक्ट होती है, वो बची भी रहती है। जैसे ही हम पकाना चालू करते हैं वो नष्ट होना चालू करती है। दूसरी बात, कच्चे जो फल सब्जियां या आप ले लीजिए आपके भिगो हुए चने मूंग, वो जो भी रहता है इत्यादि, उसमें कैलोरीज कम होती है। तो एक बार आपने वो खा लिया, जैसे खाने की शुरुआत करने पहले आपने पूरा गाजर खा लिया या ककड़ी खा ली, तो उससे क्या हो गया, 20-30% आपका पेट भर गया। तो फिर आप पका हुआ कम खाओगे, कैलोरी कम लोगे, तो वजन भी घटाने में मदद होगी, फिटनेस भी रहेगी, शुगर कंट्रोल बेटर रहेगा, कोलेस्ट्रॉल कम रहेगा। तो ये तो हो गया, पहले सलाद खानी है दोपहर के भोजन में और रात के भोजन में। वो शुरुआत आप 20-30% से कीजिए, बाद में धीरे धीरे करके उसको 50% पे लेकर आइए खाने की मात्रा में। दूसरी चीज है कि फिर आप दाल पीजिए और दाल के साथ में एक सब्जी लीजिए, और फिर आप एक चपाती ले सकते हो या बाकरी ले सकते हैं या ब्राउन राइस। होल ग्रेन्स को प्रेफर कीजिए, ना कि जो पॉलिश्ड है उसको। तो अगर ये आप करते हैं, शाम को और सुबह की दाल अलग हो सकती है, सब्जियां अलग हो सकती है, तो आपको टेस्ट भी बरकरार रहेगा, वैरायटी भी मिलेगी और हेल्दी भी खाते रहेंगे। उसमें ये चीज़ का बहुत ध्यान रखिएगा कि घी या बटर का प्रयोग बिल्कुल भी ना हो, और तेल का भी प्रयोग ना हो तो बेहतर है, नहीं तो ना के बराबर तेल में बनाइए। तो ये दोपहर का और हो गया रात का भोजन। रात के भोजन में एक और चीज़ जरूरी है कि जितना जल्दी ले, खासकर कि 7 या 8 बजे के पहले, उतना शरीर के लिए बहुत अच्छा है। इसे इंटरमिटेंट फास्टिंग भी हो जाती है कि अगर आप निर्णय ले लो कि भैया सनसेट के बाद में मैं कुछ नहीं खाऊंगा, या नहीं तो मैं 7 बजे के बाद में कुछ नहीं खाऊंगा, 7 बजे के पहले खाना, तो आपके जो पाचन है वो भी बहुत बढ़िया चलता है। और अभी आगे हमारे दोपहर और जो रात का भोजन, उसके बीच का समय जो शाम का समय है, शाम के समय फिर से ग्रीन स्मूदी लीजिए। ग्रीन स्मूदी में भी आप क्या कर सकते हैं, हरी सब्जियां बदल सकते हैं, फल बदल सकते हैं, तो उससे स्वाद बदलता है, होती वो ग्रीन स्मूदी ही है, पर आप सुबह शाम अगर स्वाद बदलेंगे तो उसको आपको आनंद भी रहेगा, रुचि भी रहेगी उसमें, और साथ ही साथ उसमें 4-5 भिगोए हुए अखरोट या आप बादाम ले सकते हैं। अखरोट या बादाम को भिगोने से उसका जो पोषण है हमें ज़्यादा मिलता है, और उसके जो बीज है वो थोड़े बहुत अंकुरित हो जाते हैं, तो वो शरीर के लिए और लाभदायक होते हैं। और बीच में कभी भी ज़्यादा भूख लगे तो पानी ज़्यादा पीजिए या फल खाइए। दिन में 2-3 फल खाने हैं हमको। आपने एक सेब ले लिया, नाशपाती ले ली, केला ले लिया, तो उससे क्या होता है, जो हमारी एक क्रेविंग होती है या तलब लगती है कि कुछ हमें
चिवड़ा खाना है, बिस्कुट खाना है या कुछ भी और खाना है, वो तलब कम होती है। तो उससे शरीर में आपको सही आहार जाएगा तो फिटनेस भी रहेगी और तंदुरुस्त भी रहेंगे, कई बीमारियों से भी बचा होगा। धन्यवाद दोस्तों।